तुझे भी भूख लगी है ना? अब तक तेरे सहारे हम जीवन बिताते आए हैं, लेकिन अब तेरी भूख मिटाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुझे भी अपना बेटा समझ के ये दिया है मैंने। ये दूध नहीं है, मेरा खून है। इसे पीकर तुम्हें अपना कर्म करना होगा। ये बात कभी मत भूलना। गांव वालों की जिंदगी बर्बाद करके तुम लोग यहाँ शराब पी रहे हो? अपने बदन की भूख मिटाने ये हमारे पास आई है। तेरी भूख कैसे मिटाएं हम? खाना देते हैं ना? बिल्कुल, खिला देंगे, खिला देंगे। मेरे हाथ छोड़ कुत्ते! चिल्ला क्यों रही है? चल 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 डरो मत बेटी, उठो। सच्चाई से वाकिफ हो गया हूँ। अरे बेवकूफो, तुम लोगों ने एक बेकसूर की जान ली है। पिताजी वो छे, तुम्हें बेटा बोलते हुए शर्म आती है? इसी वक्त पुलिस को फोन करता हूँ। छोटे जमींदार, पिता को मार डालो। मार डालो। हेलो पुलिस स्टेशन। पुलिस जान जाएगी तो मणि भी जाएगी और हमारी जिंदगी भी जाएगी। उनकी जान या अपनी जान। मैं जमींदार बोल रहा हूँ, इंस्पेक्टर है वहाँ। जल्दी जल्दी मारो, अरे जल्दी मारो तुरंत। उन्होंने हमारे परिवार को तबाह कर दिया। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं माँ। रुको बेटा, जल्दबाजी में उन्हें मारने से तुम्हारे पिता पर जो इल्जाम है वो मिट नहीं जाएगा। राजा, हमारा भी समय आएगा, तब तक जैसे तुम्हारी माँ ने कहा है ना, शांत रहना होगा। आप चाहे तो शांत रह सकते हैं, लेकिन ये सब जानने के बाद मैं चुप नहीं रह सकती। क्यों ऐसा बर्ताव कर रही हो, बोलो। डैडी, मैं मंदिर गई थी, वहाँ किसी का खून करके भगवान के गहने चुरा कर ले गए। वो इल्जाम मुझ पर डाल के मुझे रस्सी से बांध के मुझे बुरी तरह मारा, मेरी बेइज्जती भी की। डैडी, इस गांव में ऐसा कौन है जो मेरी बेटी को चोर और खूनी कह सके? जबान काट लूंगा उसकी, मिट्टी में मिला दूंगा। ए, निकालो मेरी बंदूक, जरूरत पड़ने पे कुत्ता भी साथ में नहीं, मैं खुद ही मार डालूंगा। डैडी रुक जाइए, छोड़ दो बेटी। डैडी, अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो सारा इल्जाम आप पर आ जाएगा और आपको जेल भेज दिया जाएगा। क्या कह रही हो बेटी? अरे ओ पागल, वो हमारे बारे में बात कर रही है। राम जी की जय, राम जी की जय। वो क्या जानता है, हर बात पे उठा लेता है बंदूक। चुप करो तुम लोग, बीच में मत बोलो। देवी किसने बताया तुम्हें? और कौन बताएगा डैडी, इस घर की एक एक ईंट बोल रही है। ये घर पानी और सीमेंट से नहीं बना है डैडी, गरीबों के आंसू और आह से बनाया है आपने। इस घर में उनकी आवाज गूंज रही है डैडी, गूंज रही है। ये घर नहीं है बल्कि भूत प्रेत और शैतानों का अड्डा है। देवी! क्यों डैडी, आपने ये सब क्यों किया? डैडी, आपको मैं महान समझी थी। माँ और पिता दोनों का प्यार मुझे आपसे मिला है डैडी, लेकिन फायदा क्या? दूसरों को अपने माँ बाप से दूर कर दिया आपने।
इस तरह सब लूट के क्या करेंगे आप? मेरे लिए किया? ऐसी कमाई मुझे नहीं चाहिए डैडी। मरते वक्त ये सब ले जाएंगे क्या आप? बताइए, खुद को आपकी बेटी कहने में मुझे शर्म आ रही है। देवी मेरी बात तो सुनो बेटी प्लीज। अरे ज्ञान रावत रो क्यों रहा है? आए, रो मत भाई, बेटी पे इतना प्यार आ रहा है तुम्हें, ये बाप बेटी का प्यार भी क्या चीज है? अरे छोड़ दिया तो इन सब का कारण हम दोनों ही ऐसा बोल दोगे? अरे वो बेवकूफ, इसमें चोट भी तू ही खाएगा। ध्यान से काम ले, बंदूक दे और जा यहाँ से, कहीं लग जाएगी तो। पहले से लगी हुई है। चूहे का मूछ, इसका कुछ ना कुछ उपाय करना ही पड़ेगा। तो फिर तेरा बेटा कैसे योग्य बनेगा? तभी छोकरी को उठा के भाग गया, इसीलिए अंदर है, कलेजे के टुकड़े के देखने आई है। अरे चल ना, मुझे छोड़ दो सरकार, मैं हाथ जोड़ती हूँ। सब जानता हूँ मैं, देखो कल जिंदा रहा तो ले जाओ, नहीं तो उठा के ले जाओ। नहीं, जो यहाँ से कांस्टेबल ले जाए से। चल, 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 चल। ज्ञान रावत, इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। उसे खूब मारा, और मारू क्या, उसकी जान ले लो, एक बार आके देख ले। दीदी आप यहाँ? देवी तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या है दीदी? पुलिस स्टेशन ले जाके वो लोग राजा को बहुत मार रहे हैं। सुबह होने से पहले राजा की जान ले लेगा लगता है वो शराबी। भगवान, तेरे बेटे की जान ले लेंगे तो मैं क्या करूं? आओ बेटी, आओ। मेरा बेटा जिंदा है या मर गया, मैं यही देखने आई हो ना तुम? या जिंदा है तो उसे माने तेरे बाप ने भेजा होगा, है ना? मेरा पेट जल रहा है, उसमें और तेल मत डालो तुम, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। गुड इवनिंग इंस्पेक्टर। वेरी बैड इवनिंग। क्यों इंस्पेक्टर? और नहीं तो क्या, तुम्हारे बाप की बात सुन के उसे खूब मार दिया मैंने, और जान भी जा सकती है उसके। कल अगर कुछ हो गया तो गवर्नमेंट को जवाब मुझे ही देना पड़ेगा। आपको अभी राजा को बाहर करना होगा। अगर नहीं छोड़ा तो? छुड़वाऊंगी मैं। तुम्हारी जो मर्जी है तुम कर लो। सर, एडवोकेट आनंद राज। मुसीबत है मुसीबत। कोर्ट देखने में आजादी से पहले का कोर्ट लगता है। सही कहा, उसी वक्त का है। भारत को आजादी मिलने से पहले कानून भी सही था। हमारे बड़ों ने आजादी क्यों दिलाई? ताकि हम लोग आजादी से रह सकें। लेकिन आप जैसे भले लोग कानून को हाथ में लेके मुंह में छुरुट रख के इस पुलिस स्टेशन को ही नहीं बल्कि मैं कहूंगा पूरे देश को प्रदूषित कर रहे हैं। आइंदा ऐसा ना हो इसीलिए मैंने फिर से ये कोट पहना है। ओ तो वकील हो? बड़ी सी मूछें रख के इस भारी शरीर में खाकी ड्रेस पहनकर इंस्पेक्टर बन सकते हो तो मैं वकील क्यों नहीं बन सकता? ए, ये पुलिस स्टेशन है। मैंने शराब का अड्डा ये तो नहीं कहा।
पुलिस स्टेशन पब्लिक के लिए होता है, आप जैसे लोगों ने इसे गेस्ट हाउस बना रखा है। बहुत बोला तो मार मार के अंदर भेजूंगा। कौन किसे अंदर भेजता है ये सब बाद में देखेंगे, पहले ये बताइए कि लड़के को किस धारा में अंदर किया है। यहाँ धारा भी नहीं है और सेक्शन भी नहीं है, क्योंकि ये लायर ऑफिस नहीं है, यहाँ जो मैं कहता हूँ वही कानून है। आप जिस कानून के बारे में कह रहे हैं वही मैं अपने हाथ में लेकर आया हूँ। ये कानून कह रहा है कि उस लड़के को बाहर करो, आप क्या कहते हैं सर? कांस्टेबल। क्यों सर, आप कांस्टेबल से पूछ कर करेंगे? सर ज्यादा ऐठिए मत, अकड़ जाएगा हाथ। कांस्टेबल, इस वकील को बाहर फेंक दो। रुकिए, मैं खुद चला जाऊंगा। बेवकूफ, क्यों बे, तेरी इतनी हिम्मत की तू मेरे ऊपर धुआं फेंकेगा? बहुत शौक है ना धुआं छोड़ने का? हाँ। ले। देखा, मेरे इशारे से जल गई है। लॉकअप की चाबी कहाँ है? चल दिखा। राजा, अरे इतना मारा मेरे बच्चे को। बहन आप चिंता मत करो, अब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर कोई तकलीफ हुई ना तो उस जगह ये एडवोकेट आनंद राय होगा। चलता हूं अब मैं, बेस्ट ऑफ लक।